तो मैम आप नहा नहीं रहे? बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, जैसे आप देख रहे हो लोग बहुत अनयूजुअली नहा रहे हैं, और कोविड का भी टाइम है तो हम लोगों को थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों इस चीज़ का ये मैसेज आप समझ गए होंगे। नाम क्या है मैम आपका? बहुत बढ़िया मैसेज है जी। आरती जी बता रहे हैं कि कोविड चल रहा है, डिस्टेंस भी बना के रखें, और जब कोविड का टाइम निकल जाएगा तब आप आके मस्ती में नहाइए। ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड था तो दोस्त भी पोज बनाने के तो काम आइए। देखिए मस्ती और ये ऊपर जो है पुलिस इनको हटा रही है। इसकी एक वजह ये भी है, वो अभी सिटी बाजार से विशल बाजार इनको इशारा कर रहे हैं कि हट जाए। उसकी वजह ये भी है कि बरसात के दिनों में पानी बहुत गिरता है ऊपर से। ये दूसरा पहलवान भी आ गया है। इनको देख के मुझे हरियाणा की अपने होम स्टेट की याद आ जाती है। पहाड़ों से सीखा है मैंने, यूँ मुझसे झुक के जिया नहीं जाता, और दोस्तों यूँ मुझसे डर डर के जिया नहीं जाता। तो दोस्तों मेरे साथ हैं सूरत सिंह जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं कैंपटी फॉल से। तो इनसे बात करते हैं कि क्या नियम बदले हैं, कैसे क्या जो र्यूमर फैला हुआ है या जो सच है झूठ है वो सब पता लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी संडे। चाय पी लिया शाम की, जिंदगी होती है दोस्तों से। मैं ये मानता हूँ जिंदगी होती है दोस्ती से, क्यों भगत जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं जा रहा हूँ कैंपटी फॉल का वीडियो बनाने। अभी आपने देखा ही होगा न्यूज में था कि बहुत भीड़ थी, लेकिन कल बड़ी मूसलाधार बारिश आई। अब थोड़ा सा मौसम खुला है तो इस रोड पर ट्रैफिक लगभग ना के बराबर है, तो मुझे लगता है वहाँ भीड़ बहुत कम होगी, और जाकर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं लगभग मार्केट खाली है, कोई ऐसी भीड़ बड़ा काम नहीं है। बहुत गर्मी का एक रुझान था, लोग बड़ी स्पीड से आ गए थे। तो पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से मिल गई है। यहाँ पे लगा दी है पार्किंग का जो रेट है वो है फिलहाल 200 रुपये। तो दोस्तों मैं ये पहुंच गया हूँ कैंपटी फॉल, और पानी जो है नीचे है बड़ा मिट्टी वाला, क्योंकि बारिशें आ ही रही हैं पहाड़ों के ऊपर, लेकिन यहाँ तक बड़ी अच्छी फुहार पड़ रही है पानी की, और लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन भीड़ भड़ा का बिल्कुल नहीं है। ऊपर पुलिस का भी बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पानी इस टाइम नहाने लायक नहीं रहा भगत जी। तो ये पानी जो मिट्टी वाला है कब तक रहेगा? ये पूरे बरसात भर रहेगा सर, पूरी बरसात ऐसा ही रहेगा। गुड गुड गुड। तो बरसात में पानी अब ऐसा ही रहेगा, और ये लोग अपने अपने ढंग से मनोरंजन कर रहे हैं, दूर खड़े हैं, खास तौर से सेल्फी बनाने वालों की, वीडियो बनाने वालों की कोई कमी नहीं है। ये देखिए क्या बात है, नौजवान लगे हुए हैं वीडियो बनाने। अभी 2 दिन पहले ये खबर थी कि शायद कैंपटी फॉल को बंद करना पड़ जाए, ऐसा न्यूज में था। ये एक आधा भाई हिम्मत कर लेता है। बढ़िया बढ़िया, नाले भाई जैसा भी है बढ़िया। कैंपटी तक आया तो डुबकी तो मार ही ले।
तो ये आप देख सकते हैं पूरा आनंद ले रहे हैं लोग। और ये ऊपर जो है पुलिस इनको हटा रही है, इसकी एक वजह ये भी है, वो अभी सिटी बाजार से विशाल बाजार है, इनको इशारा कर रहे हैं कि हट जाए। उसकी वजह ये भी है कि बरसात के दिनों में पानी बहुत गिरता है ऊपर से। ये दूसरा पहलवान भी आ गया है, इनको देख के मुझे हरियाणा की अपने होम स्टेट की याद आ जाती है। बोला हरियाणा वाले कुछ मित्र ऐसे हैं जो वो जरूर करते हैं जो कोई मना करता है। ये गया पहलवान, फिर अब पुलिस वाला जो है ऊपर से, ये देखिए इसने देख लिया कि पुलिस वाले जा चुके हैं। तो ये भाई मेरा फेर लग गया, ये पहुंच गया बिल्कुल किनारी पे है। तो मज़ा तो आज मौसम भी ठंडा है क्योंकि कल बारिश आई थी, तो ये भी वजह हो सकती है। और पुलिस का साफ साफ जो है यहाँ नहाने से मना करती है बरसातों में ही सिर्फ, क्योंकि ऊपर से कभी भी जो है पत्थर गिर सकता है और छोटा सा पत्थर भी आपको जानलेवा हो सकता है। नॉर्मल दिनों के अंदर जो है ये बिल्कुल साफ सुथरा जो है एक पौंड की शेप ले लेता है और बड़ा अच्छा वातावरण होता है और ये पूरा कंप्लीट फुल रहता है। फैमिलीज बहुत आई होती हैं और ये जो इस तरह ये जो चेंजिंग रूम है ये सारे के सारे, जब मैं नीचे उतर रहा था तो मैं देख रहा था कि कोई भी चेंजिंग रूम जो है जहाँ पे आप अंडरगारमेंट्स ले सकते हैं और आराम से नहा सकते हैं, तो वो भी सारे के सारे बंद किए हुए हैं। और जब मैं नीचे आया हूँ सीढ़ियाँ उतरते हुए तो कोई ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है। ये बात अलग है कि यहाँ पे कोई मास्क लगाए हुए लोगों की संख्या लगभग ना के बराबर है। ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड साथ हो, दोस्त भी पोज बनाने के तो काम है। ये देखिए मस्ती, क्या बात है, गुड 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 फ्रेंड्स। तो आप ऐसे भी आनंद ले सकते हैं दोस्तों, गर्लफ्रेंड ना भी हो तभी मस्ती मारिए। तो मैम आप नहा नहीं रहे? यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है जैसे आप देख रहे हो, लोग बहुत अनयूजुअली नहा रहे हैं और कोविड का भी टाइम है तो हम लोगों को थोड़ी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों इस चीज़ का ये मैसेज आप समझ गए होंगे। नाम क्या है मैम आपका? बहुत बढ़िया मैसेज है जी। आरती जी बता रहे हैं कि कोविड चल रहा है, डिस्टेंस भी बना के रखें और जब कोविड का टाइम निकल जाएगा तब आप आके मस्ती में नहाइए। जब आप चढ़ेंगे तो बड़ा जोर लगेगा, ऐसे ऐसे बेंच लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे बेंच लगे हुए हैं, आप उस पर विश्राम कर सकते हैं। आइए, तो ये बेंच है, दो मिनट सांस लीजिए और आगे की यात्रा शुरू कीजिए। दोस्तों सीढ़ियां बहुत हैं, जब चढ़ते हैं तो जोर लगता है, थोड़ा सांस चढ़ जाते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं है कि वहाँ मतलब मुश्किल हो जाए आना जाना, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक शेर भी याद आ रहा है कि पहाड़ों से सीखा है मैंने, यूँ मुझसे झुक के जिया नहीं जाता, और दोस्तों यूँ मुझसे डर डर के जिया नहीं जाता। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, थोड़ा सा ध्यान रखें भीड़ में आए तो, मास्क लगा लें। ओके दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। तो भगत जी छली हो जाए, चचा बना दो छली। बस ठीक है, चाचा चेक करा रहे हैं, नमक टेस्ट करो। और नमक चेक कर लो, नमक चेक कर लो, सब ठीक है, सब ठीक है चाचा, बना दो आप बढ़िया सा, धन्यवाद। तो दोस्तों मेरे साथ हैं सूरत सिंह जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं कैंपटी फॉल से। तो इनसे बात करते हैं कि क्या नियम बदले हैं, कैसे क्या जो र्यूमर फैला हुआ है या जो सच है झूठ है वो सब पता लग जाएगा। मैं अध्यक्ष व्यापार मंडल के एमटी, अभी जो यहाँ पे सरकार की जो गाइडलाइन आई है केएमटी फॉल को लेकर, यहाँ पे झरने पे 50 लोगों की आई है,
और मुश्किल से ज़्यादा भीड़ यहाँ नहीं है, जैसा घूमर यहाँ पर फैलाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, व्यापार बिल्कुल अभी भी ठप है, बहुत कम लोग, कम मात्रा में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो आप आइए, यहाँ पे व्यापार बिल्कुल ख़त्म है, आपका वेलकम है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई आने वाले समय में व्यापारियों को समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे इसको और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बीमारी लगभग ख़त्म है, कोरोना का लगभग सारा ख़त्म है, बाकी चेकिंग हो ही रही है। तो हमारा यही प्रयास है कि भाई सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि भाई आप इसमें थोड़ा और ढिलाई दें, ताकि लोगों को रोजी रोटी का संकट जो सामने आ रहा है उसमें जो है आप काम करें।